हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप लोग। और मैं दोबारा आ गया हूँ आपके लिए एक और बढ़िया सी वीडियो लेके। दोस्तों ये वीडियो जो है, इसमें हम ना ही बाहर का खाने वाले हैं और ना ही घर का खाने वाले हैं। इस वीडियो में हम खाने वाले हैं फ्रोज़न फूड जो यहाँ मिलता है। बात करते हैं पहले मार्गरीटा पिज़्ज़ा की। दोस्तों ये पिज़्ज़ा आप देख ही रहे हैं, ये पिज़्ज़ा मैंने बीजेस से लिया है जाके। दोस्तों बीजेस जो है यहाँ पे बहुत बड़ा होलसेल का स्टोर है, और वहाँ पे कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा किचन के 3 पिज़्ज़ा के पैक थे तो मैंने वो लिए हैं। उसके साथ हम करने वाले हैं कुछ फिश फिले। तो ये केप कॉड फिश फिलेज हैं, ये बेसिक पैंको क्रस्टेड फिलेट्स होती हैं और अंदर इनके कॉड फिश होती है। उसके बाद दोस्तों हम शॉज़, यहाँ पे एक और बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ से हम वहाँ पे आप देख ही सकते हैं, वहाँ पे हज़ारों तरह के फ्रोज़न फ्रूट के सेक्शंस हैं। एवरीथिंग फ्रॉम कट वेजिटेबल्स, पिज़्ज़ाज, फ्रोज़न पिज़्ज़ाज एंड गार्लिक ब्रेड्स एंड एवरीथिंग। तो फ्रेंच फ्राइज़ की बात करें तो एलेक्जिया कंपनी की रोज़मेरी फ्रेंच फ्राइज़ ली है हमने, और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितने अलग अलग तरह के फ्रेंच फ्राइज़ के भी ब्रांड हैं। कर्ली कर्ली कट फ्राइज़, स्ट्रेट कट फ्राइज़, और पता नहीं कितने कितने तरह के फ्राइज़ हैं दोस्तों। दोस्तों हमने उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ ली है, जो कि है चिकन एंड बेजिल पेस्तो बाइट्स। दोस्तों अब हम घर आ चुके हैं और आप देखिए ये गोल्डन क्रिस्पी पैंको फिश फिलेट्स जो हैं, ये कितनी अमेजिंग लग रही है। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये चिकन एंड पेस्तो बेजिल बाइट्स हैं हमारी, विद वाइट मीट चिकन और विद पेस्तो बेजिल, पेस्तो मोजरेला एंड पार्मेजान चीज़ इन फाइलो डो। तो ये भी हम इसके भी 4 पीसेस निकाल देंगे। दोस्तों ये देखिए ट्रे के अंदर कितना खूबसूरत लग रहे हैं, 12 पीसेस ऑफ पेस्ट्री शेल्स। इन पेस्ट्री शेल्स के अंदर जो फिलिंग है वो है बेजिल पेस्तो और मोजरेला और चिकन की। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं पेपरेज फार्म टेक्सस टोस्ट के ऊपर, विच इज़ ऑल्सो मेड विथ 5 रियल चीज़ेस, जिसमें मोजरेला, चेडर, प्रोवलोन, एसियागो, पार्मेजान, भाई पता नहीं कितनी तरह की इनकी इसमें चीज़ेस हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ये एलेक्सिया कंपनी की क्रिस्पी रोज़मेरी फ्राइज़ हैं विथ सी सॉल्ट, और इसमें आप देखिए मेड विथ रियल रोज़मेरी है यार, ये तो मज़ा ही आ जाएगा ये खा के। तो दोस्तों ये देखिए हमारी बढ़िया प्लेट तैयार हो चुकी है, इसमें 2 पीसेस हैं फ़िश फिले के, 4 पीसेस हैं हमारे मोजरेला बेजिल पेस्तो बाइट्स के, एक है हमारी गार्लिक ब्रेड और कुछ हैं फ्रेंच फ्राइज़। तो अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें डायरेक्टली इसे ओवन के अंदर रख देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, अराउंड 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। क्या ज़बरदस्त इसमें मोटे मोटे मोज़रेला के चीज़ के पीसेज हैं, फ्राई टोमेटोज़ भी हैं फ्रोज़न, और श्रेडेड चीज़ भी नज़र आ रही है मुझे इसमें कुछ, और ये देखिए ऑलरेडी ये कार्डबोर्ड के ऊपर रखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए अब हमने कार्डबोर्ड के थ्रू ये पिज़्ज़ा को अवन के अंदर रख दिया है, और नीचे से रॉड आप देख ही रहे हैं चल रही है ऑलरेडी, अवन में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए दोस्तों। तो ये हमारे केल एंड स्पिनच ग्रीन्स, जो कि देखिए आप बिल्कुल वॉश्ड एंड रेडी टू ईट हैं, आपको कुछ नहीं करना, ना ही इन्हें धोना है, सीधा आप इनका पैकेट खोलिए, डालिए और ड्रेसिंग डालिए और सीधा खा लीजिए। तो ये वेगमैन्स ऑर्गेनिक की जेस्टी इटालियन विनेग्रेट है, बेसिकली एक ड्रेसिंग का काम करती है, जिससे कि जो हमारे सैलेड है, जो हमारे ग्रीन्स हैं, वो सीजन हो जाते हैं, क्योंकि ग्रीन्स के अंदर अपना कोई टेस्ट तो होता नहीं है। तो दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा तैयार एकदम, भाई साहब क्या ज़बरदस्त पिज़्ज़ा लग रहा है दोस्तों, ये देखिए आप कितना ऑसम पिज़्ज़ा है ये। तो दोस्तों पिज़्ज़ा काट के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए क्या ज़बरदस्त नज़ारा आ रहा है पिज़्ज़ा का, भाई मज़ा आ गया ये पिज़्ज़ा को देख के। तो दोस्तों इतने सारे जो हमने स्नैक्स लिए हैं भाई, उनके साथ चटनी तो बनती है ना। तो दोस्तों 4 तरह की सॉसेस हमारी ये तैयार हो चुकी हैं, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, शेजवान सॉस और श्रीराचा सॉस। सैलेड जो है ये केल और स्पिनच का सैलेड है, इसमें हमने कुकुम्बर्स डाल दिए थे और कुछ क्रूटॉन्स डाल दिए थे ऑलिव गार्डन के, और ड्रेसिंग डाल दी थी। तो बस ये हमारा सैलेड तैयार हो गया, हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है। दोस्तों सबसे पहले ये पिज़्ज़ा के स्लाइस से ही शुरू करते हैं। एकदम थिन क्रस्ट है दोस्तों, और ये टोमेटो बेजिल सॉस है, तो इसमें ना हल्का हल्का तुलसी का फ्लेवर आ रहा है, बेजिल का फ्लेवर बहुत अमेजिंग है। चीज़ एकदम फ्रेश है, एकदम मेल्ट इन योर माउथ है, और ऊपर जो टोमेटोज का एडिशन है वो भी बहुत अमेजिंग है। दोस्तों क्रस्ट एकदम क्रिस्पी है, एकदम थिन क्रस्ट है, थिन होने की वजह से उतना ज़्यादा डोई, उतना मैदा वाला फ्लेवर नहीं आ रहा है इसमें, और बहुत ही टेस्टी क्रस्ट है इसका, बहुत ही थिन लेयर क्रस्ट है, और उसके ऊपर जो टोमेटो बेजिल की सॉस है उसका टैंग बहुत बढ़िया है। पेस्तो जो होता है वो बेसिकली बेजिल का बनता है, और ये टोमेटो
और पेस्तो या टोमेटो और बेजिल का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत हेवनली है दोस्तों। पेस्तो जो है वो उसको थोड़ा सा फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है, एकदम सॉफ्ट चीज़ है बिल्कुल भी। और इंडिया में हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं कि चीज़ को ना हम ब्राउन कर देते हैं, जला देते हैं बिल्कुल। यहाँ पे कभी भी चीज़ को ब्राउन नहीं करते, कभी भी उसको जलाते नहीं है बिल्कुल, सिर्फ उसको चीज़ को या मोज़रेला को मेल्ट करते हैं। और जो छोटे छोटे टोमेटो के बिट्स हैं वो तो बहुत ही अल्टीमेट है दोस्तों, मज़ेदार पिज़्ज़ा। अब दोस्तों ट्राई करते हैं बेसिल चिकन फिलो पेस्ट्री। तो ये मैंने इसको शेजवान सॉस के साथ डिप करा है दोस्तों। फिलो पेस्ट्री जो एकदम क्रिस्पी है, एकदम क्रंची, आपको आवाज़ सुनाई दे गई होगी। उसके अंदर जो है पेस्तो सॉस का फ्लेवर आ रहा है अगेन, और जो चिकन है वो भी बहुत अच्छा है, और स्पिनच है हल्का सा जो उसको थोड़ा फ्रेशनेस प्रोवाइड कर रहा है। स्पिनच जो है थोड़ा न्यूट्रिशियस, थोड़ा हेल्दी फ्लेवर आ रहा है उससे दोस्तों। ये छोटे छोटे पॉकेट्स तो आप जितने मर्जी खा सकते हो। अब ट्राई करते हैं यार फिश कटलेट्स। तो ये है चिली गार्लिक सॉस में दोस्तों, फिश एकदम प्रॉपरली कुक हो गई है अंदर से, बिल्कुल भी रॉ वाली फीलिंग नहीं आ रही, बिल्कुल भी फ्रोज़न वाला फ्लेवर नहीं आ रहा, बहुत ही माइल्ड फ्लेवर है इसमें। हल्का सा नमक की सीजनिंग है इसके ऊपर। जो ये पैन को क्रस्टेड है, आई थिंक ये ब्रेड क्रम्स होते हैं। तो ये है श्रीराचा सॉस के साथ। इनमें अपना कोई बेसिक फ्लेवर नहीं है, जो इसके ऊपर क्रस्ट है उसमें भी हल्का सा फ्लेवर है नमक का, काली मिर्च का, बट बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं है। तो आपको कोई ना कोई सॉस में इसको ज़रूर डिप करने की ज़रूरत है इसको फ्लेवर देने के लिए दोस्तों। ये तो श्रीराचा सॉस है, और जो चिली गार्लिक सॉस है वो हमने यहाँ के चाइनीज़ स्टोर से ली थी। बट ये शेजवान सॉस है चिंग्स की, ये अपनी इंडिया की है, इंडियन स्टोर से लिया। सबसे बढ़िया फ्लेवर जो आ रहा है वो शेजवान सॉस के साथ ही आ रहा है। मीठा भी है, खट्टा भी है, और स्पाइसी भी है। तो लीजिए दोस्तों हमारे ये फ्रेंच फ्राइज़ भी तैयार हो गए हैं, तो ये ट्राई करते हैं। ये रोजमेरी फ्लेवर्ड फ्रेंच फ्राइज़ हैं, हल्का सा इनमें नमक कम था मैंने टेस्ट करके देखा था। तो ये फ्रेंच फ्राइज़ ट्राई करते हैं। गिल्ट फ्री फ्रेंच फ्राइज़ है यार, हमने फ्राई नहीं किया, अवन में रखा और हो गए। अब मुझे नहीं पता कि ये ऑलरेडी फ्राइड थे या नहीं थे, ये अब ब्राउन अब जाके ब्राउन हुए, तो मेरा अंदाज़ा है कि ये फ्राइड नहीं थे, ये अवन की बेकिंग से ही ब्राउन हुए हैं और कुक हुए हैं। तो ये श्रीराचा सॉस और चिली गार्लिक सॉस ये साथ ट्राई करते हैं। एकदम स्मदर कर दिया मैंने फ्रेंच फ्राइज़ को सारी सॉसेस में, अब ये ट्राई करते हैं। मस्त एकदम गिल्ट फ्री फ्रेंच फ्राइज हैं दोस्तों, मज़ा आ गया खा के। चाहे हम लोग कितना भी हेल्दी खा लें, चाहे हम कुछ भी खा लें, फ्रेंच फ्राइज़ की कमी तो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ ही पूरा कर सकते हैं दोस्तों। ये जो रोजमेरी हर्ब सीजनिंग है ये बहुत मस्त है यार, बहुत मज़ेदार है, एकदम डिफरेंट ही जगह लेके जा रही है ये हर्ब सीजनिंग फ्रेंच फ्राइज को दोस्तों। वापस आते हैं अपने पिज्ज़ा पर, एकदम थिन क्रस्ट है, उसमें खुराफात जागी है दिमाग में पिज्ज़ा को भी सॉस में डाल के। चाइनीज़ सॉसेस जो होती हैं बढ़िया होती हैं, आप किसी भी चीज़ में डाल के खा लो तो बहुत बढ़िया फ्लेवर दे देती हैं उस चीज़ को। तो ये गार्लिक ब्रेड पे मैंने ऑरिगैनो की सीजनिंग कर ली है, और टोमेटो केचप के साथ गार्लिक ब्रेड का कॉम्बिनेशन अल्टीमेट है दोस्तों। क्रस्ट एकदम क्रिस्पी है, करारी कर ली मैंने, अंदर से जो ब्रेड है वो एकदम पिलो ही सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट ब्रेड है। अंदर उसमें बटर और गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। चीज़ जो है वो उतनी क्वांटिटी में नहीं है, हम लोग थोड़ा और ऊपर से चीज़ इसमें डाल सकते थे, बट यहाँ पे इतनी ही चीज़ मिलती है। और जो ऑरिगैनो है वो तो अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है ही दोस्तों इसके साथ। तो इतना ज़्यादा अनहेल्दी खाने के बाद थोड़ा सा सैलेड भी बनता है ना दोस्तों। इटालियन ड्रेसिंग जो है वो ज़बरदस्त है, स्वीट सार एंड टैंगी टेस्ट है उसका, अच्छी ड्रेसिंग है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाली वीडियो? इसमें मैंने वही चीज़ें दिखाने की कोशिश करी हैं जो हम हर दूसरे फ्राइडे खा रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और देखते रहिए इंडी फ्लेवर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस, थैंक यू सो मच।